हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, मंगलवार से पारस्परिक अंतर जिला तबादला जो प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी और यहाँ पर इसको सैद्धांतिक रूप से जो शासनादेश और विज्ञप्ति है वो सोमवार को जारी कर दी जाएगी। तो इसमें पद रिक्त होने का झंझट नहीं है। शिक्षक सभी जिलों के लिए आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उस जिले से दूसरा शिक्षक आने को तैयार रहे और ये जो प्रक्रिया होगी वो 20 जनवरी तक चलने की उम्मीद है। तो परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को अंतर जिला तबादलों की डबल सौगात मिलने जा रही है। तो इसके लिए प्रक्रिया जो होगी वो मंगलवार से शुरू होगी और शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया जाएगा, यानी कि कल। और इसी का दोस्तों अगली खबर जो है वो ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हाईकोर्ट के आदेश पर भी नहीं मिल पा रही। वजह क्या है? देखो, अगर आपने देखा होगा तो ये भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्धि स्कूलों में, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए स्नातक के बाद आपकी ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण होना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य राज्य ऐसे भी हैं जहां के लोगों को इस बार हाई कोर्ट के निर्देश पर जॉब देने के बारे में बात कही गई है कि इनकी काउंसलिंग करवाई जाए और इनको जॉब दे दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है, क्योंकि वो लोग इंटरमीडिएट के बाद ही अपनी ट्रेनिंग कम्प्लीट किए हैं, तो ये एक समस्या है कि उनके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं और इस वजह से क्या हो रहा है कि अब वो अपनी जो नियुक्ति है वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस वजह से जो लोग बाहर ट्रेनिंग करके आए हैं इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड के समकक्ष, तो उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों अगली खबर ये है कि बिना विज्ञान गणित बढ़े बन गए हैं शिक्षक। मामला है यहाँ पर 29,334 विज्ञान गणित सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखो, प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29,334 विज्ञान गणित शिक्षकों की भर्ती में स्नातक में बिना गणित अथवा विज्ञान एक विषय के शिक्षक बनने वाले प्रोफेशनल डिग्री धारकों पर बर्खास्तगी का तलवार लटक रहा है। मतलब कि ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने एक विषय के रूप में विज्ञान या गणित नहीं पढ़ा है और उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है लेकिन उनको नियुक्ति मिल गई है। फिलहाल ऐसे लोगों का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है और जो लोग विज्ञान या गणित नहीं पढ़े हैं स्नातक के स्तर पर उनकी नौकरी जा सकती है, उनको बर्खास्त किया जा सकता है और ऐसे लोगों का डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो रिक्त बचे पद हैं हो सकता है कि उस पर अगली काउंसलिंग करवाई जाए और जो लोग लो मेरिट के हैं तो उनको नियुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, राजस्व निरीक्षकों के 1409 पद सृजित करने की तैयारी, हो सकता है कि इसकी जो व्याख्या है वो आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल पर अलग अलग तरीके से कर दी जाए। हो सकता है कुछ लोग ये भी न्यूज़ आपको आज आपको दे सकते हैं कि राजस्व निरीक्षक के 1409 पदों पर होगी भर्ती, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 1409 पद है ना, ये लेखपालों के प्रमोशन के लिए हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि कोई नई वैकेंसी आने वाली नहीं है। पूरा मामला क्या है, देखो इसको भी आप समझ लो। पूरा मामला ये है कि लेखपालों की पदोन्नति में देरी की समस्या के समाधान के लिए राजस्व निरीक्षक के 1409 पद सृजित करने का फैसला किया गया है और सिद्धांत रूप में इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति हो गई है। वित्त विभाग को भेज दिया गया है कि वित्त विभाग अगर उस पर ग्रीन सिग्नल दे देता है, सहमति दे देता है, तो ये पद सृजित कर लिए जाएंगे। वर्तमान में देखोगे तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 4209 पद हैं और इनमें 76% लेखपालों को, 22% अमीनों को और 2% भूमि जो अध्यापति होते हैं उनके लिए, जो कर्मी होते हैं उनकी पदोन्नति के लिए होते हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या थोड़ी कम थी, तो उसमें क्या हुआ कि जो अपर मुख्य सचिव हैं रेणुका कुमार, उन्होंने ये बताया कि लेखपालों को 30-30 वर्ष पर पदोन्नत मिलना किसी भी दशा में उचित नहीं है और इस समस्या के समाधान के लिए राजस्व निरीक्षक के पद सृजित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो 1409 पद नए जो सृजित किए हुए हैं वो लेखपालों के प्रमोशन के लिए हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको ये कहता है कि आने वाली भर्ती 1409 पदों पर राजस्व निरीक्षक के, तो ये फर्जी डेटा होगा। सही डेटा क्या है इसको आप जान लो। और टीटी परीक्षा में डिग्री कोर्स की अंतिम वर्ष व डिप्लोमा के तीसरे या चौथे सेमेस्टर की जो मार्कशीट है वो साथ ले जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जिन परीक्षार्थियों के पास अंकपत्र की मूल प्रति नहीं है वो इंटरनेट से मार्कशीट निकलवा कर अपने संस्थान के प्राचार्य से प्रमाणित कराएंगे, ठीक है। तो निजी संस्थानों से BTC या डिलेट करने वाले परीक्षार्थियों को डायरेक्ट प्राचार्य से मार्कशीट प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी काम की है क्योंकि आप लोगों में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों ने पुराने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने पूर्व में तय परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराने का विरोध किया है। उन्होंने शंका जाहिर की है कि
इसमें क्या होगा कि जो पुराने केंद्र हैं उस पर नकल हो सकती है केंद्र संचालकों की मदद से। तो ये थी आज की खबरें। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।